नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। सबसे प्रथम हमारे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये काम बच्चों हम छोटी क्लास कक्षाओं में भी सीख चुके हैं, आज हम इसे दोबारा करते हैं। सबसे जो पहला काम है वो ये है कि हम देखेंगे इसमें कि एक्स स्क्वेयर के साथ क्या गुणांक है। कोई गुणांक नहीं है। यदि इसके साथ कोई गुणांक नहीं है इसका मतलब इसके साथ गुणांक है 1। अब जो पहला काम है वो ये कि एक्स स्क्वेयर के साथ जो गुणांक है और बिना एक्स वाली जो रकम है, इन दोनों को हम आपस में गुणा करेंगे। इन दोनों को हम आपस में गुणा करेंगे। देखिए एक्स स्क्वेयर का गुणांक है 1, इसको गुना करेंगे जो कि बिना एक्स वाली रकम है वो है 10। नहीं, वो है -10। याद रखना ये 10 नहीं है, ये -10 है। तो माइनस का निशान भी हमने साथ में लेना है। तो हमारे पास 1 गुना -10, 10 एकम 10, साथ में प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये आया है हमारे पास -10। अब बच्चों हमें क्या करना होता है, शायद आपको याद भी होगा, इस 10 के ऐसे गुणनखंड निकालने हैं जो पहले हम इसके सभी गुणनखंड निकाल के देखते हैं। देखिए 10 किस किस के पहाड़ में आएगा। 10 आएगा 1 गुना 10, 10 होता है। 2 गुना 5 भी 10 होता है, और किसी भी पहाड़ में 10 नहीं आता। अब हमें बच्चों क्या करना है, हमें देखना है ये 1 है ये 10, ये 2 है ये 5, इन जोड़ों में से किसको प्लस या माइनस करके ये बीच वाली रकम 3 बनती है। देखिए 10 में 1 प्लस करेंगे तो वो आएगा 11, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 9, हमें चाहिए 3। 5 में 2 प्लस करेंगे तो आएगा 7, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 3। इसका मतलब 3 आ गया ना, तो हमें ये वाला जोड़ा चाहिए। आई होप कि आपको समझ आया होगा ये जोड़ा क्यों चाहिए, क्योंकि इनको प्लस या माइनस करने से ये बीच वाली रकम 3 आ रही है। ठीक है बच्चों, तो ये 5 और 2 को लेने से 3 आ रहा है, तो हमने ये जोड़ा लेना है। इसका मतलब इस जोड़े की हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पहली रकम को ऐसे ही लिख देंगे, पहले पद को ऐसे ही लिख देंगे 1x2, आखिरी जो पद है -10 उसको भी ऐसे ही लिख देंगे, आगे बराबर 0 है इसको भी ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, बच गई बीच वाली रकम। बीच वाली रकम के लिए हमने जो जोड़ा सिलेक्ट किया है 2 और 5, इन दोनों के साथ यदि ये एक्स में समीकरण है तो दोनों के साथ एक्स लगा दो, 2 के साथ भी और 5 के साथ भी। ठीक है बच्चों, 2 के साथ हमने 2 और 5 वाला जोड़ा दिया, दोनों के साथ हमने एक्स लगा दिया क्योंकि ऊपर एक्स है। अब रह गए इनके निशान। निशानों के लिए बच्चों यहाँ वापस आ जाओ, यहाँ देखेंगे कि 10 के साथ माइनस है या प्लस। यदि प्लस होता तो इन दोनों का निशान एक जैसा होगा। एक जैसा मतलब या दोनों प्लस होते या दोनों माइनस होते, लेकिन यदि यहाँ इस 10 के साथ माइनस है तो इसका मतलब इन दोनों के निशान एक दूसरे से उल्टे होंगे। ठीक है बच्चों, उल्टे मतलब कि एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस। अब यहाँ -10 है, इसका मतलब इनके निशान उल्टे होंगे, यानी कोई एक प्लस का होगा और कोई एक माइनस का होगा। अब कैसे पता चले कि कौन सा प्लस और कौन सा माइनस, उसके लिए हम देखेंगे यहाँ इस 3 के साथ निशान कौन सा है, माइनस। तो इन दोनों में से बड़ी रकम के साथ वो निशान आ जाएगा। बड़ी रकम है 5x, तो यहाँ माइनस है तो 5x के साथ आएगा माइनस, तो ये इसके साथ आएगा उल्टा निशान, माइनस का उल्टा प्लस। ये समझ आया? यदि आपको ये लाइन बनानी नहीं समझ आई तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके बेटे पीछे जाकर दोबारा देखिएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला स्टेप क्या है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इन्हें दो अलग अलग भाग मान लेंगे, है नहीं लेकिन मानेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे इसमें से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे है 1x2 और यहाँ पे है 2x, दिख रहा है कि ये भी यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो इसमें से एक्स कॉमन आ जाएगा। x2 में से 1x बाहर चल गया, बाकी 1 अंदर बच गया। 2x में से 1x बाहर चला गया तो बाकी बच गया 2। ये समझे, 2x में से x बाहर चला गया बाकी बच गया 2। इसी प्रकार से हम यहां से कुछ कॉमन लेंगे। देखिए यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, तो पहले तो माइनस कॉमन ले लो। ये है 5x, ये है 10, ये दोनों किसके पहाड़ में आएंगे, सोचो बच्चों किसके पहाड़ में आएंगे, 5x और 10, ये दोनों 5 के पहाड़ में आएंगे, तो हमने 5 को कॉमन ले लिया। अब -5x में से 5 -5 बाहर चला गया, बाकी बच गया x। ठीक है,
और यह -10, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, देखो -10, इसमें से -5 कॉमन लिया, यानी इसको -5 से भाग कर दो, माइनस से माइनस कट गया, 5 से कटा 10, 2, ये 2 के साथ माइनस नहीं है, इसका मतलब +2 है। अब एक बार फिर से आप देखिए कि हमारे पास ये आया है x इंटू एक्स प्लस 2 -5 इंटू एक्स प्लस 2। ये x प्लस 2 पहली रकम में भी है, ये x प्लस 2 दूसरी रकम में भी है, तो हम x प्लस 2 को कॉमन ले लेते हैं। x प्लस 2 को कॉमन लेते ही ये जो पहला भाग है, देखिए सिर्फ इतना भाग, ये x इस x इंटू एक्स प्लस 2, इसमें से यदि x प्लस 2 बाहर चला गया तो बाकी क्या बच गया है, x बच गया है, बाकी क्या बच गया है, x बच गया है। अब इसको छुपा देता हूं, अब इसमें देखिए, इसमें से यदि ये x प्लस 2 बाहर चला गया, x प्लस 2 बाहर चला गया, तो बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया -5। ठीक है बच्चों, इसके साथ सॉरी 0 था और इसके साथ भी 0 है। इसका अर्थ ये है, अभी तक हमने इसका गुणन खंडन कर दिया है, 1x² -3x - 10 = 0, ये बराबर होगा x+2 x - 5 = 0 के। इसका मतलब ये है, दो नंबरों, दो ब्रैकेट्स को गुना करने से 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो पहली ब्रैकेट 0 के बराबर है या दूसरी ब्रैकेट 0 के बराबर है, तभी दोनों को गुना करने से 0 आ रहा है ना। ठीक है, यहां से देखिए एक्स किसके बराबर होगा, 2 इधर प्लस हो रहा है उधर जाएगा, तो 0 में से माइनस हो जाएगा, तो 0 में से 2 माइनस करके हमारे पास आ गया -2। इसी प्रकार से -5 है यहां पर एक्स के साथ, जब ये बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +5। ठीक है, तो एक्स की जो दो दो मान हमारे पास आए हैं वो है एक्स बराबर -2 और एक्स बराबर 5। ये दोनों ही इस समीकरण के हल हैं, हमें निकालने हैं मूल। तो समीकरण के मूल क्या होंगे, तो हम लिखेंगे यहां पर समीकरण के मूल हैं। मूल क्या होंगे, हल और मूल में क्या फर्क हुआ, हल क्या है x बराबर -2 x बराबर 5, मूल क्या है, मूल है सिर्फ x की वैल्यू लिखनी है, x नहीं लिखना साथ में, मूल है -2, 5। समझ आया बच्चों, हल और मूल में फर्क। अगर आपसे पूछा जाए समीकरण के हल क्या है, तो आप बोलोगे ये समीकरण के हल है x बराबर -2 x बराबर 5। अगर आपसे पूछा गया समीकरण के मूल क्या है, तो आप बोलोगे -2 और 5। ये फर्क है समीकरण के हल में और मूल में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छे से समझ आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।